हमारी दुनिया कोने कोने पर तरह तरह के जीव जंतुओं से भरी पड़ी है। तो चलिए एक नजर डालते हैं साधारण से दिखने वाले कुछ छोटे जीवों पर, जो वास्तव में बड़े से बड़े जीवों से भी ज्यादा खतरनाक है। नंबर एक, बुलेट एंट। शुरुआत करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चींटी से, जिसका नाम बुलेट एंट है। ये एक ऐसा जीव है जिससे कई मील दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि अगर इसने गलती से भी आपको काट लिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इन चींटियों के अंदर एक खास तरह का जहर होता है, जो इंसान के शरीर में जाते ही काफी तेज दर्द का अनुभव देता है। हालांकि इसके जहर से किसी इंसान की जान को तो खतरा नहीं, लेकिन फिर भी इससे होने वाला दर्द मौत को अनुभव करने के बराबर ही है। प्लीज, ये एक ऐसा कीड़ा है जो जिंदा रहता है खून को पीकर, और आकार में काफी छोटा सा दिखने वाला यह जीव दुनिया भर में प्लेग जैसे कई खतरनाक बीमारियों को फैलाने का काम करता है, जिसकी वजह से 14th सेंचुरी में अकेले यूरोप भर में ही 25 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। किसिंग बग। इस कीड़े का नाम किसिंग बग इसलिए है क्योंकि ये अपने शिकार को किस करता है, और ये उस एक ही किस में उसके शरीर में काफी मात्रा में खून को पी जाता है और पीछे छोड़ देता है ये लव बाइट्स के कुछ निशान। लेकिन जब ये कीड़ा किसी भी जीव का खून पी रहा होता है, तो उस समय ये उसके शरीर में एक काफी खतरनाक बैक्टीरिया को छोड़ देता है। सिक्स फ्लाई। अफ्रीका में पाई जाने वाली ये मक्खी एक ऐसी बीमारी फैलाती है जिसे माना जाता है स्लीपिंग सिकनेस के नाम से, और अगर इस बीमारी का समय रहते इलाज न कराया जाए तो इससे ग्रस्त इंसान की मौत हो जाना तय है। इसी के साथ इसका इलाज भी अपने आप में काफी जोखिम भरा है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट में दी जाने वाली उन मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स काफी खतरनाक हैं। जब ये मक्खी किसी इंसान को काटती है तो ये उसके शरीर में एक जानलेवा पैरासाइट को छोड़ देती है, जिसके चलते उस इंसान का अपना सेंस पर कंट्रोल खो जाता है। जेंट वाटर बग। छोटा सा दिखने वाला ये जीव इतना खतरनाक है कि एक छोटी सी मछली से लेकर जहरीले सांप तक को भी मौत के घाट उतार सकता है। पानी में रहने वाले इस कीड़े के सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए, ये उसे लपक कर अपना शिकार बना लेता है। अब भले ही ये जीव देखने में किसी कॉकरोच की तरह दिखाई क्यों ना देता हो, लेकिन उसे कॉकरोच समझना एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि ये उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसके काटने से काफी तेज दर्द का अनुभव होता है, और इनके काटने से किसी तरह के एलर्जिक इन्फेक्शन के होने का खतरा भी बन जाता है। मधुमक्खियों की प्रजाति का एक जीव है ये बॉटफ्लाई, जो इन मक्खियों की तरह ही काफी घिनौना दिखाई देता है। लेकिन जो चीज इस बॉटफ्लाई को खतरनाक बना देती है वो है इनके अंडे देने का तरीका, क्योंकि अंडे देने के लिए कुछ और नहीं बल्कि इंसानी शरीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये मक्खी किसी की स्किन पर बैठ जाए तो ये कुछ सेकंड के अंदर ही उस जगह पर अपने कई सारे अंडों को छोड़ देती है। फायर एंट। जब बात हो रही है खतरनाक छोटे जीवों की, तो ऐसे में फायर एंट का नाम न लिया जाए ये तो हरगिज नहीं हो सकता। फायर एंट बदनाम है अपने गुस्से के लिए, जिनके द्वारा काटे जाने पर काफी तेज दर्द का एहसास होता है। ये छोटी सी चींटियां मिट्टी के अंदर कॉलोनी बनाकर झुंड में रहना पसंद करती है, जिस पर अगर गलती से किसी का पैर पड़ जाए तो ये पलक झपकने से भी कम समय के अंदर उस जीव पर हमला बोल देती है। ऐसे में अगर वो जीव छोटा हुआ तो उसकी जान जाना तो तय है ही। जायंट हॉर्नेट। जापान में पाई जाने वाली ये मधुमक्खी भी उन्हीं खतरनाक जीवों में से एक है, जिन्हें कम समझने की गलती करना काफी भारी पड़ सकता है, क्योंकि अगर 2 से 3 इंच बड़ी ये मधुमक्खी किसी इंसान पर हमला कर दे तो उस इंसान को पैरालिसिस और किडनी फेलियर होने के साथ साथ उसकी मौत भी हो सकती है। किलर बी। किलर बी के इस नाम से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये मधुमक्खियाँ कितनी खतरनाक होंगी। वैसे तो ये मधुमक्खियाँ भी बिल्कुल हनी बी की तरह दिखाई देती है, लेकिन जो चीज इन्हें उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है वो है इनका टेम्परामेंट। ये मधुमक्खियाँ काफी गुस्सैल स्वभाव की होती हैं, जो किसी भी जीव के सिर्फ सामने आने भर से ही उस पर टूट पड़ती हैं। इनके डंक में एक खास तरह का जहर होता है, जो किसी भी इंसान को मौत के घाट उतार देने के लिए काफी होता है। रिबन वॉर्म। जो किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर अपने मुंह से एक जालनुमा आकृति की इस चीज को फेंकता है, जो सामने वाले जीव के शरीर में जकड़कर उसमें जहर छोड़ देती है और उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।